अभी अमजद का फोन आया था, तूफान में मदद करने वाले उस पप्पू यादव के लोग सारा माल लॉरी से स्टेट के बाहर लेकर जा रहे हैं। वहां मदद ना मिलने की वजह से लोगों की जान जा रही है और तुम लोग माल स्टेट के बाहर ले जा रहे हो। ईमानदारी से लॉरिया पीछे ले लो, नहीं तो क्या करेगा, मार देगा क्या? मारूंगा नहीं, लेकिन मौत से मुलाकात जरूर करवाऊंगा। दूसरे का पैर और तीसरे की तो दिमाग की नसें ही फाड़ डाली। थोड़ी देर में तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर हमें रोकने की भी कोशिश की है तो। बड़े बड़े राजनेता जो नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया, इसके लिए शुक्रिया। ए, कौन है रे वो? हाँ? लॉरी से हमारा अनाज चुराने वाला, ए, कौन है वो? कौन है, कोई बताएगा कौन है? यही है भाई। ए, मेरा नाम जिद्दी नानी है, 42 साल की उम्र में मुझ पर 42 केस लगे हैं। मेरा कोई नहीं है, ना माँ बाप है, ना भगवान है, मेरा कोई भी नहीं है। अपने जीजा की खुशी के लिए यहाँ के नियोजक वर्ग के मंत्री को मैंने मार दिया, जानते हो किस लिए? यहाँ के बायो इलेक्शन में उनको जिताने के लिए। सुनो, मेरा बैकग्राउंड जानने के बाद कोई भी वोटर लिस्ट में दिखाई नहीं देता, मुझसे या मेरे जीजा जी से पंगा मत लेना। अभी तक पंगा नहीं लिया था, लेकिन अभी पंगा लेना चाहता हूँ। इसे मिल, अजय कुमार है, ये एमकॉम टॉप रैंकर है, इसी गांव का है, आने वाले इलेक्शंस में तेरे जीजा के ऑपोजिशन में खड़ा रहेगा ये। अच्छा है, काफी दिन हुआ खेले हुए, खेलते हैं, देखते हैं। यहाँ सोच रहा हूँ तो मुझे खुद को डर लग रहा है, फिर मिलते हैं। पीछा कर रहा है, और कौन हो सकता है, पप्पू के आदमी होंगे, नॉमिनेशन की लास्ट डेट तो कल ही है ना। क्यों बे, तुम चारों राजनीति में कदम रखकर इलेक्शन जीतना चाहते हो क्या? राजनीति यानी स्कूल में मास्टर जी का कहा रट्टा मारकर उसे उस तरह से लिखना, ये समझाया क्या? ऐसा नहीं है, मर्डर्स करने पड़ते, बॉम्ब्स फेंकने पड़ते हैं, पोलिंग बूथ को कैप्चर करना पड़ता है, दारू और पैसे दोनों बांटने पड़ते हैं। ये सब कुछ तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूं। अरे कर सकते हो क्या, बोलो। आप रुकिए जीजाजी, हे, तुम्हें इस उम्र में क्या करना चाहिए? लड़कियों का पीछा करना चाहिए, टीजिंग करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेके भाग जाना चाहिए। अगर वो ना माने तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक दो, उसके पेट में चाकू भोंक दो। यहां क्यों आए हो जीजाजी? वोट जिसके पास है उससे मीटिंग करना चाहिए, इससे क्या काम है? बोलो तो इसे मार दूं, कितने लोग होंगे? 10 लोग होंगे बस, बोलो तो अभी मार देता हूं सबको। अरे नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करो, मेरे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दूंगा ना, अपने आप निकल जाएंगे। खोली की गली में जन्म हुआ, मवालियों के बीच में पला बड़ा, बचपन से एक ही चीज बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, वो है मर्डर करना।
से सुनो, तुमने अपनी डिग्री पाने के लिए जितनी मेहनत की है ना, आज इस पोजीशन में आने के लिए मैंने भी उतनी ही मेहनत की है। ईमानदारी से मेरी बात नहीं मानी ना तो माँ कसम कोई जिंदा नहीं जाएगा। भेजे में बात आ गई, चलो गलती हो जाओ। हो जाएंगे जीजा जी, क्यों हो जाएंगे ना, अगर नहीं हुआ तो इसका ये हो जाएगा। ए, चलो रे, चलिए जीजा जी आइए। अबे पागल हो क्या, मेरे घर में मेरे ही बेडरूम में आ गए हैं तुम्हें तो अभी क्या ये तुम सब किससे पंगा ले रहे हो जानते हो? हट जाओ, हटो हटो। कुछ बोलो यार, अरे क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई बोलो। देखो अगर कुछ है तो बैठ के बात करते हैं ना। ए सूर्या याद करे, अरे कहां मर गए सब के सब? अबे कुछ तो बोलो। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता था। हमारे कैंपस में कदम रखने वाले तेरे गुंडे कभी वन पीस में वापस नहीं गए। बात कभी किसी ने कदम रखा भी नहीं, हमें उकसाना मत। अरे बाप रे, ऐसा होगा तो कैसा चलेगा? दीदाजी दीदाजी कुछ तो बोलो ना। सुनो, उन कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। कुछ तो बोलो दीदाजी, बोलो दीदाजी। दीदाजी कुछ तो बोलो ना दीदाजी, मुंह तो खोलो दीदाजी। अरे सारे कॉलेज को ही बॉम्ब से उड़ा दूंगा दीदाजी। दीदाजी अरे दीदाजी क्या कुछ तो बोलेंगे दीदाजी? ऐसी खामोशी से 100 बॉम्ब 1000 तलवारें ना पैदा करने वाली हलचल वो सिद्धार्थ साइलेंटली दिखाकर चला भी गया। उन दिनों महात्मा गांधी ने अहिंसा को आयुध बनाकर इसी तरह खामोश बैठे रहे तो लाखों ब्रिटिशर्स वापस लौटकर भाग गए। वो सिद्धार्थ बिना चश्मा और लाठी का महात्मा गांधी है, मामूली बंदा नहीं है। हथेली में समंदर दिखाकर चला गया है। उसी समंदर में जाके डूब मरो। देखो साले साहब, उसके होते हुए ना हमारा जीतना मुश्किल है। नहीं जीत पाए तो उसे मार देंगे। हमें गुंडागर्दी नहीं राजनीति करनी है। उसने हम सबको जिस तरह साइलेंटली मारा है, हम भी उसे साइलेंटली ही मारेंगे।
तो फिर क्या करने बोल रहे हो? इस लॉयर के मुताबिक बॉम्ब और तलवार छोड़कर गांधी बनकर बैठ जाए क्या? देखो, इलेक्शन होने तक हमें गांधी बनकर ही रहना है। उस सिद्धार्थ की गैंग को बांध कर जनता से सिंपैथी लेंगे। समझ गया जीजाजी, मैं भी थोड़ा राजकरण जानता हूँ। वही यार, अब मैं जीजाजी पर बॉम्ब फेंकूंगा और लगेगा कि उसने फेंका है। मतलब जीजाजी, आपको कुछ ना हो ऐसा बॉम्ब फेंकूंगा, लेकिन तुम्हें मारने के लिए उसने बॉम्ब फेंका है कहकर अटेम्प्ट टू मर्डर केस में फंसा देंगे। तो फिर तुम खुद किसी एक केस में जेल जाकर वहां से प्लान करो बॉम्ब फेंकने का। क्या आइडिया दिया है, कोई और दूसरा केस किस लिए? तुम्ही को मार के अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ले लेता हूँ, क्योंकि तुम लॉयर हो। ये क्या किया? चिल्लाओ मत। तुम एक काम करो, जाके पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखवाओ। पुरुषोत्तम यादव, पुरुषोत्तम यादव।